इधरों नमस्कार बता दें आपको, वार्ड नंबर 9 असारी में मौजूद, असारी में निर्दलीय प्रत्याशी हमारे बीच में राजा राम यादव उर्फ राजू के नाम से पूरे वार्ड में फेमस है। इनकी तारीफ बता दें, पूर्व पार्षद 2012 से लेकर 17 तक वार्ड नंबर 9 में सभासद की गद्दी संभाले हुए इन्होंने अनेक काम कराए मौजूद है। आज भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। अनेकों लोग, युवाओं की टीम, अनेकों लोग, वार्ड के लोग मौजूद है। जानते हो पार्षद जी से आकर का पार्षद जी कितना समर्थन जनता का मिल रहा है? पार्षद जी क्या कहना है, इतना समर्थन मिल रहा है आपको? सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रवासी व बाढ़वासी को सब हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ और मुझे आशीर्वाद दे, सारे क्षेत्रवासियों से मेरा आशीर्वाद दे। मुझे बाढ़ से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मैं घर घर जाके अपनी बात रख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है हर घर से, हर परिवार से। यादव समाज में अनेक अनोखे एक चेहरा आप हो, कितना फर्क पड़ेगा यादव का वोट समाज का, कितना वो अन्य समाज का कितना वोट मिलेगा? नहीं, मुझे सभी समाज से वोट मिलेगा। समाज से तो मैं अकेला ही हूँ, समाज से तो मिलेगा मुझे, लेकिन अन्य समाज से अच्छा वोट मिल रहा है। फायदा कितना है यादव समाज में अकेले अकेले प्रत्याशी, कुछ ना कुछ तो फायदा मिला होगा ना? नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा मुझे, क्यों नहीं मिलेगा? समाज से मैं अकेला हूँ तो बिल्कुल मुझे समर्थन मिलेगा। मुझे हर समाज से मुझे समर्थन मिल रहा है, हरिजन हो चाहे कोई भी समाज हो, सारी समाज से मुझे आशीर्वाद अच्छा मिल रहा है। पुराने कार्यकाल को लेकर आप मैदान में उतरे, नई रणनीति बनाई, तैयारी करी बाकी मैदान में? बिल्कुल, जो पिछले कार्यकाल में मैं नहीं कर पाया हूँ तो कहूँ कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन इस बार जो भी काम छूटे पूरे भरपूर में उस खरा उतरूंगा पूरे काम में। चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज के माध्यम से पूरे वार्ड नंबर 9 में उजियारा जगाने का प्रयास कर रहे हैं राजू यादव, राजा राम यादव। का क्या हुआ संग में फिर रहे? बढ़िया हो रहा है। का क्या हुआ तुम्हारे भैया के बारे में? सब है सही, अच्छा है। अच्छा भैया का क्या हुआ बताओ यादव जी? रोड डले, हैंडपंप लगा, बिजली आई, पिछली बार उन्होंने अच्छे काम किया है, नाला बनवाया, काफी रोड भी डलवाए, काम बोलता है आदमी का, विकास किया है तो आगे जनता सपोर्ट करेगी। पास में आपका क्या है? रोड डला है, राजू भाई साहब ने डलवाया है, हैंडपंप लगे हैं, जितने मोहल्ले में लगे हैं, टपैया के क्षेत्र में लगे हैं, सब राजू भाई साहब की बदौलत लगे हुए हैं। जब से राजू भाई साहब गए हैं तब से कुछ किसी ने गुम्मा नहीं लगवाया, जब से दूसरी कोई में आया, जो कनेक्शन हुए जो राजू भाई साहब की बदौलत हुए, नल्ला बना जो राजू भाई साहब की बदौलत बना है। वार्ड नंबर 9 में पहले जो वार्ड नंबर 2 था तब बहुत काम कराए हैं, तब सड़कें भी बनवाई हैं, बिजली का भी सुधार हुआ है और अभी भी जो काम रुके हुए हैं वो इनका करने का प्रयास है। इनका कहना है कि अब की बार में यहाँ पे जो है एक शमशान घाट बनवाना है वार्ड नंबर 9 में, और इसके अलावा जो सड़कें छूट गई हैं वो सड़कें बनवाना है, जो नाले छूट गए हैं, एक बाईपास का भी काम रह गया है, जो पहले किया जो कहा था उससे ज्यादा काम किया और अब जो कहा है उससे ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। राजू भैया, चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज, असारी वार्ड नंबर 9 की जनता का क्या वो है कि 4 मई को भूलना जाना और उगता सूरज को निशान लगाना? और क्या क्या वो है जनता का? नहीं नहीं, जनता सारी बहुत खुश है कि सबसे पहले भी मेरा 2012 में उगता हुआ सूरज मुझे चिन्ह मिला था और इस बार भी मुझे बब्बा महाराज की ऐसी मर्जी है, इस बार भी मुझे उगता हुआ सूरज मिला और सारे लोग जहाँ उगता सूरज मैं कह रहा हूँ तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अच्छा। सारे लोग इतने खुश हैं कि पहले तो सूरज उगा था, इस बार भी सूरज उगेगा। वार्ड नंबर 9 में मौजूद थे, बता दें आपको, आपको अवगत करा दें, वार्ड नंबर 9 के अंदर 2 राय समाज से चुनाव लड़ रहे हैं, एक यादव समाज से जो सामने मौजूद है राजा राम यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और एक परिहार समाज से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि वार्ड नंबर 9 की जनता किसके सर पार्षद का ताज सजाने वाली और लगाने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।